हाय एवरीबॉडी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने एक सिंपल सा DIY रेयन टॉप बनाया। ये इसके लिए एक सैम्पल है जो मैंने अपने लिए रखा है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और ये मेरा सेटअप है। अब शुरू करते हैं। पहले हम देख लें कि हमारे पास कितना कपड़ा है। ये 1.5 मीटर कपड़ा है और हम इसको लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरीके से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम वो वाला टॉप रखेंगे जो हमारा फेवरेट टॉप है, जो हमको बहुत अच्छे से फिट आता है। यहाँ पे मैंने अपना एक वाइट टॉप रखा है। अब मैं इसके शोल्डर्स मेजर कर रही हूँ। मेरे शोल्डर्स जो रेडी शोल्डर्स हैं 14.5 to 15 inches हैं। आर्म होल मेरा 7.5 है और नेक मेरा 7.5 है। अब हम शुरू करते हैं इनको नोट डाउन करना। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ अपने मेजरमेंट्स। चेस्ट मेरी है कंफर्ट फिट की 40 inches, बॉटम इज 41 inches हेमलाइन, और ये ऐसे मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे फैब्रिक को काटना और फोल्ड करना है। पहले हम इसको फोल्ड करते हैं हाफ में, ये देख के कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। अब हम इसके आर्म होल्स, नेक डेप्थ, शोल्डर्स, यहाँ मैं अपने शोल्डर्स मेजर कर रही हूँ, ये आर्म होल मेजर कर रही हूँ। पहले हम इसकी बेसिक सी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी फाइन कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं सारे मेजरमेंट्स ले रही हूँ उसको रख के, जैसे आप देख रहे हैं, और स्केल से, जिससे कि कुछ गड़बड़ ना हो, हम स्केल से प्रॉपर तरीके से इसको मेजर करके लाइन बनाएंगे और फिर काटेंगे। अब हम इसको काट रहे हैं। हम ये बेसिक कटिंग कर रही हूँ मैं अभी। अब मैं इसका शोल्डर का कट लगा रही हूँ और लास्ट में मैं इसका आर्म होल का कट लगा रही हूँ। अब इसको हम अलग कर लेंगे। ये अलग कर लिया है। अब मैं इसमें प्रॉपर तरीके से नेक की डेप्थ और नेक की चौड़ाई मेजर करके इसको मार्क करूँगी। ये मैं नेक डेप्थ मार्क कर रही हूँ। इसको हम वी बनाएंगे और पीछे से नेक डेप्थ शॉर्ट ही रखेंगे, राउंड गले की पीछे से राउंड शॉर्ट रहेगा और सामने से 7.5 inch रहेगा। ये मैंने आर्म होल मेजर किया है। अब मैं पहले बेसिक आगे पीछे का एक ही काटूंगी, क्योंकि पीछे का थोड़ा सा आपकी पीठ जो है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, तो उसके हिसाब से आर्म होल की कटिंग पीछे की इतनी डीप नहीं होती है, वेरस आगे की थोड़ी डेप्थ ज़्यादा होती है आर्म होल में। अब मैं अपना वेस्ट मेजर करके स्लाइट सी वेस्ट की शेप दे रही हूँ। अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए, मैंने बेसिक पीछे के आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर दी, शोल्डर की कर दी। अब मैं पीछे के नेक डेप्थ के हिसाब से 3 inches जो मेरी डेप्थ मैं रखती हूँ उसके हिसाब से मैंने पीछे काट दिया। अब हम आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला सेपरेट कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हम रख देंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। आगे के पल्ले को सेट करके अब हम इसका वी नेक काटेंगे जो हमने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है। ये मैंने वी नेक काट दिया। अब हम दोनों को अरेंज करेंगे और देखेंगे अपनी बेसिक मेजरमेंट जो हमने ली थी उसके हिसाब से स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के हमारी मेजरमेंट्स ठीक बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं। यहाँ मैंने चेक कर लिया। अब इसको फोल्ड करके अलग कर देंगे। हमारा जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था वो हम लेके इसको फोल्ड करेंगे। ये 2 fabrics हैं लेंथ वाइज, इनको हमने फोल्ड किया है जिससे कि 2 हमारी स्लीव्स निकल जाएं। और इसको मैं मेजर कर रही हूँ, मुझे जितनी स्लीव्स लेंथ चाहिए उसके हिसाब से, और इसको मैं काट रही हूँ। मुझे 5.5 रेडी स्लीव चाहिए, उससे बड़ी नहीं चाहिए, शॉर्ट स्लीव चाहिए बिकॉज इट इज़ समर टाइम, इसलिए मैं ये मेजर कर रही हूँ। और अब हमने इसकी चौड़ाई 7.5 to 8 inches जैसे हमने टॉप में रखी थी उसी के हिसाब से काट ली है। अब हम इसको दोनों को एक साथ सेंटर मार्किंग कर लेंगे जिससे कि स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। और आगे वाला जो पार्ट है स्लीव्स का, उसकी कटिंग एस शेप में होती है, क्योंकि आगे का पोर्शन में अगर हम नहीं करेंगे तो वो झोल आ जाएगा।
अब हम शुरू करते हैं स्टिचिंग। मैंने पहले स्टार्ट किया है शोल्डर से। मैं दोनों टॉप के जो दोनों अपर पार्ट और बैक पार्ट है उसके मैं शोल्डर्स स्टिच कर रही हूँ। इनको मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है। अब मैं बीच में से काट दूँगी जो धागा अटैच्ड है और ये हो गए, ये फ्रंट एंड बैक पोर्शन अटैच हो गए। अब हम क्या करेंगे, बेसिक स्टिचिंग फिनिश करेंगे जिससे कि बॉडीज अपना रेडी हो जाए। तो मैं अपनी साइड्स दोनों साइड की स्टिच कर रही हूँ। मैं दोनों साइड्स में थोड़ी थोड़ी स्लिट्स चाहती हूँ जिससे कि वो थोड़ा कंफर्ट फिटिंग हो जाए, इसलिए मैंने साइड्स की करीब 4 इंचेस स्लिट्स छोड़ दी हैं। अब ये दोनों साइड से ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है। स्लीव्स अटैच करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि फ्रंट पार्ट जो स्लीव्स का है, जो डिफरेंट तरीके से कटा हुआ है, वो फ्रंट बॉडी से ही अटैच हो और बैक का बैक बॉडी से अटैच हो। इसके पहले हम स्लीव्स अटैच करें, हम पहले स्लीव्स को फिनिश करेंगे। इसका मतलब हम स्लीव की पहले स्लीव हेम स्टिच करेंगे। ये मैंने एक स्लीव की स्टिच कर दी। मैं डबल स्टिचिंग करती हूँ जिससे कि वो फिनिशिंग अच्छी आए। ये हो, एक स्लीव हो गई है मेरी। अब इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव करूँगी, इसमें भी मैं डबल स्टिच करूँगी हेम में, जैसे मैंने पहली वाली स्लीव में किया था। ये डबल स्टिच हो गया है। अब हम इन स्लीव्स को बॉडी से अटैच करेंगे। इसके लिए हमने स्लीव्स के सेंटर में कट दिया हुआ था और शोल्डर्स का सेंटर कट जो था उससे वो स्लीव्स का सेंटर कट मैच करके हमको पहले फ्रंट वाला पार्ट सिलना होगा। ये देख के ध्यान से कि आप फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीव ही अटैच कर रहे हैं फ्रंट बॉडी से। अब मैंने यहाँ ध्यान से फ्रंट और बैक बॉडीज का ध्यान रखते हुए स्लीव को अटैच कर लिया है। यहाँ पे अटैच करने के बाद हम स्लीव की साइड से स्टिचिंग कर लेंगे, जो कि कुर्ते की साइड से जो स्टिचिंग है उससे मैच करती हुई होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी स्लीव की ओपनिंग चाहिए उतनी ही रखें, बाकी आप बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब मैंने अपनी ये वी नेकलाइन की जो फेसिंग है वो मैंने अटैच करनी शुरू कर दी है। ये एक साइड की अटैच कर रही हूँ, फिर ये मैं अब जो वी का दूसरा पार्ट है दूसरे साइड की अटैच कर रही हूँ। दोनों करते हुए मैंने बैक की भी फेसिंग अटैच कर ली है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है। अटैच करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद, मतलब आयन करने के बाद, ये ऐसा लगता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ इसकी हेम और साइड की स्लिट स्टिच करनी बाकी है, जो अब मैं करूँगी। स्टिच करने के पहले मैं सब कुछ चेक कर रही हूँ कि मैंने जो अभी तक स्टिच किया है वो ठीक है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर साइड की स्लिट से स्टिचिंग शुरू करूँगी, और क्योंकि ये काफ़ी लंबी स्टिचिंग है इसलिए मैंने यहाँ का साउंड जो है बैकग्राउंड साउंड वो ऑफ करके रखा है, ये काफ़ी नॉइजी हो जाता है। ऐसे मैंने साइड की स्लिट्स और हेम स्टिच कर दी हैं, एक साइड की, वैसे ही दूसरी साइड की भी स्टिच कर दी है मैंने, और अब ये रेडी हो गया है। तो चलिए अब ये आखिरी काम भी कर लेते हैं और नेक लाइन की हेमिंग कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो इसको मशीन से भी स्टिच कर सकती थी, बट मुझे पर्सनली हेमिंग की हुई नेक लाइन ही पसंद है, तो मैंने इसमें हेमिंग करी है। सिर्फ नेक लाइन में ही हेमिंग करी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुर्ती, ये टॉप बन के कैसा लगता है। इसको मैंने आयन करके फोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगी फाइनली इसका लुक कैसा आता है। अगर ये DIY टॉप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।